अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले जो हमने चैप्टर नंबर 1 बनाया था वो सेंटेंस के बारे में बताया था, सेंटेंस और उसकी डेफिनेशन, सेंटेंस क्या है और उसकी टाइप्स देखी थी उसके फंक्शंस के हिसाब से कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस फंक्शन। एंड नेक्स्ट अब हम चैप्टर नंबर 2 जो बना रहे हैं वो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के अबाउट, कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है इन आर सेंटेंस। तो व्हेन वी मेक अ सेंटेंस एट क्लास, जब हम कोई सेंटेंस या क्लास बनाते हैं तो क्या क्या देखते हैं कि वी नेम सम पर्सन और थिंग, किसी भी चीज़ या थिंग को हम पर्सन जब नेम देते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, एंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन। और जब हम उस पर्सन या फिर थिंग के बारे में कुछ कहते हैं, उसके बारे में कुछ बात करते हैं या फिर देखते हैं कि उसके बारे में क्या बात हो रही है। इन अदर वर्ड्स, वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट, स्पीक अबाउट एंड प्रेडिकेट अबाउट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट हमारे पास होता है कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहा है, और प्रेडिकेट क्या है कि सब्जेक्ट जो है उसके बारे में क्या बात हो रही है, क्या एक्शन प्ले हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, प्रेडिकेट। तो एवरी सेंटेंस हैव 2 पार्ट्स, यानी कि हर सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो आइए चलते देखते हैं सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। सब्जेक्ट, द पार्ट विच नेम द पर्सन अर थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें पर्सन या थिंग के बारे में बात की जा रही है कि वो क्या है, वो कौन है, तो ये मेरे पास क्या हुआ, सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज ऑलवेज अ नाउन और प्रोनाउन दैट इज आइदर परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ द सेंटेंस। यानी कि सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट हमारे पास सेंटेंस में वो चीज़ है जो नाउन हो सकती है, प्रोनाउन हो सकती है। यानी कि जब हम किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, नाउन। तो अगर हम पर्सन और प्लेस का नेम ले रहे हैं, नेम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास नाउन होगा। लेकिन अगर हम उसकी जगह ही शी इट यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रोनाउन होगा। लेकिन अगर हम कोई भी कंपाउंड सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, यानी कि नाउन फ्रेज यूज़ कर रहे हैं, जब हम नाउन फ्रेज यूज़ करेंगे लाइक उसमें वर्ब नहीं होगा, लेकिन सब्जेक्ट जो है ना वो मोर देन वन होंगे, मोर देन वन सब्जेक्ट होंगे, तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट होंगे, हम उसको नॉन फ्रेज भी कह सकते हैं। सम सेंटेंस हैव मोर देन वन सब्जेक्ट, कहते हैं कि कुछ सेंटेंस में मोर देन वन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि अली एंड हिज डॉग। अली एक सब्जेक्ट है एंड डॉग एक सब्जेक्ट है, तो अली एंड हिज डॉग एक कंपाउंड सब्जेक्ट हुआ, मोर देन वन सब्जेक्ट से। नेक्स्ट हमारे पास प्रेडिकेट है, द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स अबाउट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। यानी कि ये सेंटेंस का वो पार्ट है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इन्फो देता है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो क्या कर रहा है। तो ये हमारे पास प्रेडिकेट हुआ। द सिंपल प्रेडिकेट सिंपली द मेन वर्ब, जो हमारे पास सिंपल प्रेडिकेट होता है वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट में जो सेंटेंस में जो मेन वर्ब होता है उसका हम प्रेडिकेट कहते हैं। सेंटेंस में हमारे पास मुख्तलिफ तरह के वर्ब यूज़ होते हैं। सेंटेंस में बाज़ अवकात हमारे पास जो लिंकिंग वर्ब्स हैं वो यूज़ होते हैं। जो मेन वर्ब है हमारे पास एबसेंट होता है, तो उसकी जगह पे इस आर एम वाज और ये लिंकिंग वर्ब्स यूज़ हो जाते हैं, तो तब हम इनको भी प्रेडिकेट ही कहेंगे। तो इसके एग्जांपल है, द बॉय वॉक्स टू स्कूल, द सिंपली प्रेडिकेट वुड बी वॉक्स। यानी कि द बॉय क्या है हमारे पास सब्जेक्ट एंड वॉक्स क्या है प्रेडिकेट, एंड स्कूल क्या है ये हमारे पास सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्या है कि सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास सेंटेंस में कम्स फर्स्ट होता है, अक्सर औकात में बस फर्स्ट पे आता है, बट ओकेजनली समटाइम्स इट इज इट पुट्स आफ्टर द प्रेडिकेट। यानी कि समटाइम्स क्या होता है, जो प्रेडिकेट है ये फर्स्ट पे आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। जैसे मेरे पास एग्जांपल है, कम्स द बस, यानी कि कम्स क्या है मेरे पास वर्ब है यानी कि प्रेडिकेट है, द बस क्या है मेरे पास सेंटेंस सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है वो बाद में आ रहा है और प्रेडिकेट मेरे पास पहले आ रहा है। बस इज अ सब्जेक्ट एंड इट कम्स आफ्टर द प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के बाद आ रही है। नेक्स्ट इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या बताएंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं, द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनमें सब्जेक्ट लेफ्ट आउट होता है। यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं हमारे जब हम कोई भी कमांड करते हैं, ठीक है, या कोई रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर जो हम लोग एंटिटीज करते हैं, कोई विश देते हैं, कोई एडवाइस करते हैं, या इंस्ट्रक्शंस या फिर इन्विटेशंस देते हैं, तो ये हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जब हम इन सेंटेंसेस को लिखते हैं तो इसमें हम सब्जेक्ट को नहीं लिखते, सब्जेक्ट इसमें हाइड होता है। तो अगर हम किसी को कहें सिट डाउन, यानी कि हम उसको कमांड कर रहे हैं सिट डाउन, तो इधर क्या है, सब्जेक्ट हमारे पास हाइड है, यानी कि हम उसको ही कह रहे हैं यू सिट डाउन, बट यू हमारे पास हाइड है, यू हमें पता है कि हम उसको कह रहे हैं, तो हम कहेंगे उसको सिट डाउन, यू नहीं कहेंगे, यू हाइड है इसमें। तो ये हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो गए, इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो नहीं होता। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज की टू गुड सेंटेंस, यानी कि एक गुड सेंटेंस सेंटेंस की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ज़रूरी होते हैं, मस्ट है सेंटेंस मस्ट हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो आप इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, और अगर समझ नहीं आई, कोई पॉइंट मिसिंग है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको हर कमेंट का जो है वो रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, अपना भी ख्याल रखिए और अपने प्यारों का, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।